नमस्कार दोस्तों, आइए, स्वागत है इसके सिंपल फूड में। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आइए दोस्तों, आज मैं एक नॉन वेज का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है दाल मुर्ग। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे चाहिए चिकन, मेरा आधा किलो चिकन है, इसे मैंने मैरिनेट करके रखा है, लहसुन अदरक लाल मिर्च और हल्दी के साथ। और चाहिए चने की दाल, घिया, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और गरम मसाले में चाहिए, खड़े मसाले में तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, जावित्री, इलायची, स्टार एनीस और लाल मिर्च। और चाहिए दाल, चने की दाल है ये, और इसे मैंने धो के रखा है। और चाहिए नमक मसालों में, हल्दी, काली मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और चाहिए मुझे 2 से 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 लाल मिर्च, आप चाहे तो इसे बारीक काट लीजिए, ऐसे ही डालिए, प्याज 2 से 3, ये चिकन के ऊपर होगा, जितना आपका चिकन ज़्यादा होगा उतना ही आप प्याज ज़्यादा कर देंगी। और चाहिए कुकिंग ऑयल और पानी, आप चाहे तो इसे देसी घी में बनाएं और ज़्यादा स्वाद आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं दाल और घी को बिठा देती हूँ कुकर में, 2 सीटी लगवा लेती हूँ। दाल को बिल्कुल गलाना नहीं है, ये अपने ही शेप में रहेगा। तो चलिए इसे बिठा देती हूँ। तो ये मैंने दाल डाल दिया है और अब मैं इसमें डालती हूँ पानी और इसमें डालूंगी घिया, दूधी तोरी जो भी आप कहते हैं। और अब मैं डालूंगी हल्दी और नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि फिर मैं चिकन में भी डालूंगी नमक, आधा चम्मच ही। पानी मैं 1.5 गिलास के लगभग डाल रही हूँ और इसे मैं 2 सीटी आने दूंगी और अपने आप गैस निकलने दूंगी। तो चलिए इसे मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ दूसरे गैस पे और इधर मैं तैयारी करती हूँ अपने चिकन की। तो चलिए, मैंने इधर रख दिया है दाल और घिया होने के लिए और अब मैं इधर तैयारी कर रही हूँ अपने चिकन की। तो मैं डालूंगी इसमें कुकिंग ऑयल, अब जो भी तेल खाते हैं वो डालिए। तो ये देखिए मैंने तेल रख दिया और इसे गर्म हो जाने देते हैं। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया, धुआं उठ रहा है, तब मैं सब मसाले डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, और इसे चलाते हुए बीच में सुनहरा होने तक भून लेते हैं। चलिए इसे भून लेते हैं अच्छी तरह, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। और इसे ढक देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा और होगा और मैंने अब आंच को बिल्कुल लो कर दिया है और मेरे 1 सीटी होने के बाद मैंने गैस कम कर दिया है। कम करके मैं 1 सीटी और लगवाऊंगी और उसके बाद मैं कुकर वाला गैस बंद करूंगी। तो चलिए उधर हो रहा है, तब तक हम इसमें मसाले वगैरह डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं हम अदरक और लहसुन और डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला ना जले। आंच मेरा कम ही है और अब मैं एक एक करके सारे मसाले डाल दूंगी। तो हल्दी डालेंगे, दाल में भी डाला था हल्दी हमने, नमक भी कम से कम दोस्तों, क्योंकि हमने दाल में भी डाला है तो हम चेक कर लेंगे, कम होगा तो और डाल देंगे। लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा का पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच,
ये जैसे चिकन होगा दोस्तों, चिकन के ऊपर है, उसके हिसाब से मसाला घट और बढ़ सकता है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह भून लेते हैं। तो ये हमारी दो सीटी हो चुकी है, मैं इसे हटा के ठंडा होने देती हूँ अपने आप। और ये इधर देखते हैं मसाले, ये देखिए मसाले लगभग हो चुका है। और इसमें डालूंगी चिकन, और जब चिकन आधा पक जाएगा, सॉरी दोस्तों, जब चिकन पक जाएगा तब मैं डालूंगी, आधा पकने के बाद ही डालूंगी मैं दाल। तो चलिए अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके पका लेते हैं। तो आपको बताया था मेरा चिकन 400 से 500 ग्राम है, तो अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और बिल्कुल आंच कम करके इसे भूनते हुए पका लेती हूँ। ज़रूरत लगे तो पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि मसाले ना जलें, और इसके पकने के बाद ही, आधा पकने के बाद मैं दाल डालूंगी। तो ये देखिए हमारी दाल हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गल गई है पर बिखरी नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ चिकन को भी किस हाल में, घिया भी गल चुका है, इसको और बड़े पीस में अब काटना चाहें तो और काट सकते हैं। तो मैं देख लेती हूँ चिकन को। तो आइए देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है और तेल आ चुका है ऊपर, और इधर हमारा दाल भी हो चुका था, दिखाया था मैंने, और चिकन आधा पक चुका है। तो अब मैं डाल लूंगी इसमें हरी मिर्च, और जो मैंने दाल पका के रखी है वो, जी हाँ आसानी से कट जा रहा है, यानी हमारा आधा इससे ज़्यादा पक चुका है, 80% के लगभग पक चुका है। तो अब मैं इसमें मिर्च डालती हूँ, और आंच मेरा तेज रहेगा। अब मिर्च को आप काट के डालिए अगर तीखा खाना चाहते हैं, अगर सिर्फ स्वाद चाहिए हरी मिर्च का तो आप ऐसे ही डाल दीजिए या चीरा लगा कर। तो चलिए इसमें दाल पलट लेते हैं घीये को, और इसके साथ हमें 10 मिनट पकाना है। तो इसे मिक्स करते हैं, और पानी इसमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, जैसे चिकन की ग्रेवी होती है वैसे ही रखेंगे। तब इसे हम ढक कर पका लेते हैं। और दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिए। अगर कोई कमी है तो भी बताइए, मैं एक और रेसिपी लेकर आऊँगी दाल और चिकन या मटन की, जिसमें चने की जगह दूसरे दालों का यूज होता है, और ये मेरा वर्जन है दोस्तों। मैं इस तरीके से चने के दाल के साथ गोश्त बनाती हूँ, यानी चिकन बनाती हूँ। तो दोस्तों पानी अगर चाहिए तो डाल सकते हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों मैं बताना भूल गई थी, इस टाइम मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, इससे थोड़ा स्वाद आता है। और डालूंगी मैं अपना होम मेड गरम मसाला 1/4, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गरम मसाले से भी स्वाद बिगड़ता है खाने का। तो बस 1/4 डालना है, और इसको मिक्स कर देना है, 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है इसको। ये देखिए दोस्तों तैयार है दाल चिकन, तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए ऊपर तेल आ गया, तो चलिए बंद करते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा दाल चिकन तैयार है, आप इसे चावल रोटी पराठा नान पूड़ी किसी के साथ भी सर्व करिए, खमीरी रोटी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये मेरा तरीका था, और मैं एक और चिकन और मटन बनाती हूँ मिक्स दाल के साथ, तो अगर समय मिला तो मैं ज़रूर वो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।